कल अपन ने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है ना, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखा था, उसी के आगे और देखते हैं। एक है संकारक, ई संकारक, ई ऑपरेटर, ठीक है, इसको देखेंगे आज। ई ऑपरेटर क्या है, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और x के जो मान है वो आपके पास a, a plus h, a plus 2h, इस तरह से x के आपको मान दे रहे, ठीक है। तो जब e ऑपरेटर f a पर ऑपरेट करेंगे, जब e ऑपरेटर f a पर ऑपरेट करेंगे तो f a plus h आएगा, वेरिएबल चर है वो, आगे बढ़ जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, इसीलिए इस संकारक को अपन विस्थापन संकारक भी बोलते हैं। शिफ्टिंग, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया वेरिएबल जब ई ऑपरेटर ऑपरेट किया। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा ई और ई एफ ए, ठीक है, ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच, सेम ऐसे ही यहाँ आ जाएगा एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस टू एच, इसी तरह से ई थ्री एफ ए ऑपरेट करें तो आ जाएगा एफ ए प्लस थ्री एच, ऐसे ही अगर ई एन एफ ए ऑपरेट करें तो वो आ जाएगा एफ ए प्लस एन एच। इस तरह से किसी भी फंक्शन पर जब अपन ई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो वो विस्थापित हो जाता है, वेरिएबल शिफ्ट हो जाता है, और वो फंक्शन वो एफ ए जो है ई एन ऑपरेट करेंगे तो एफ ए प्लस एन एच आए, ठीक है। इसी का विलोम संकारक भी है, मान लीजिए ये है इसका विलोम संकारक, ये जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट होएगा तो वो आएगा एफ ए माइनस एल, एफ ए माइनस एच, ठीक है। इस तरह से ई एफ ए ऑपरेट करेंगे तो सेम ऐसे ही एफ ए माइनस टू एच आ जाएगा, इसी तरह से जब ई एन एफ ए ऑपरेट करेंगे फंक्शन एफ ए पर ये ऑपरेट करेंगे तो एफ ए माइनस एच। इस तरह से ये फंक्शन के ऊपर संकारक ऑपरेट करने पर इस तरह से माना, ठीक है। इसी का और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो और देखते हैं, इसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो और देखते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एक है अचर राशि के लिए संकारक क्रम विनिमेय होता है, जैसे मान लीजिए ई सी एफ एक्स, तो वो क्या आएगा आपके पास सी एफ ए प्लस सी एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और सी ई एफ एक्स, इस तरह से आपने लेके चले थे ई सी एफ, आ गया आपके पास सी ई एफ, यानी अचर राशि के लिए यह संकारक कैसा होता है, क्रम विनिमेय। और ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, एक और एफ और जी के योग पर संकारक जो है वो कैसा होता है, बंटनता के नियम का पालन करता है। ये दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट करें, है ना, तो वो क्या आएगा आपके पास एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, और इसको अपन लिख सकते हैं ई एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं ई जी एक्स, तो बंटनता का नियम आ गया, ठीक है। इस तरह से ये ऑपरेटर्स ऑपरेट होते हैं। एक और रिजल्ट है रैखिकता का नियम है, सेम ऐसे ही बिल्कुल सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स, है ना, तो ये आ जाएगा सी वन ई एफ एक्स प्लस सी टू ई जी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहले किया था, तो ऐसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा। एक और रिजल्ट है ऐसे ही घातांक का नियम, उसके अंदर क्या है कि जब एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा
ठीक है, तो ये आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये लेके चले तो इसको जब, इसको जब ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एन एच, फिर ये ऑपरेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एम एच प्लस एन एच, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपन एफ एक्स प्लस एम प्लस एन, एम प्लस एन एच, और ये आ जाएगा ई एम प्लस एन एफ एफ एक्स। इस तरह से ये रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं। और भी है इसके अंदर, ई और डेल के अंदर क्रम विनिमय, ई और डेल ऑपरेटर क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हैं। जैसे कैसे देखें, एक रिजल्ट है ई डेल एफ एक्स, ई डेल एफ एक्स, इसको खोला तो यह आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब ये ई ऑपरेटर अंदर चला जाएगा माइनस ई एफ एक्स, इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस टू एच और एफ एक्स प्लस एच, इसको फिर डेल ऑपरेटर के रूप में लिखें तो डेल एफ एक्स प्लस एच, और फिर इसको सॉल्व करें तो ई एफ एक्स, तो अपना क्या था e del equal to del e, यानी e और del ऑपरेटर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इस तरह से अपन इस रिजल्ट को देख सकते हैं। कुछ और रिलेशंस हैं, del ऑपरेटर, navel ऑपरेटर्स और e ऑपरेटर्स के बीच में, del ऑपरेटर, navel ऑपरेटर और e ऑपरेटर, इनके बीच में कुछ रिजल्ट्स हैं वो और देखते हैं। उनमें एक पहला रिजल्ट है कि e बराबर होता है 1 plus del, e बराबर होता है 1 plus del, कैसे देखिए, अपन जानते हैं कि del जब fx फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो fx plus h minus fx, ठीक है, और जब e ऑपरेटर fx पर ऑपरेट होता है तो fx plus h, ठीक है। अब आप देखिए इस रिजल्ट को यहां पर यूज करें तो क्या जाएगा, डेल एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये रिजल्ट अपन ने यहाँ यूज कर लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ई एफ एक्स इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स, ठीक है, यहां से वन प्लस डेल कॉमन आ गया, एफ एक्स कॉमन आ गया, दोनों को कंपेयर करें तो e इक्वल टू वन प्लस डेल, ठीक है। इस तरह से एक रिलेशन है कि e बराबर होता है वन प्लस डेल के। ऐसे ही एक और रिजल्ट है वो आप देखते हैं, वो क्या रिजल्ट है अपना, ई एन इक्वल टू वन प्लस डेल पावर एन, यही है ना। एक अपन ने रिजल्ट प्रूव किया था एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए सो ऑन डेल एन वाई ए, अपन ने ये रिजल्ट प्रूव किया था। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री डेल क्यू डेल एन, और वाई ए क्या आ गया कॉमन, वाई ए क्या आ गया कॉमन। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, वन प्लस डेल की पावर एन वाई, वन प्लस डेल की पावर वाई। इसी प्रकार, इसी प्रकार अपन y a plus n h इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अपना y a plus n h आ जाएगा e n y, क्योंकि जब y a पर ये e n ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो a plus n h, y a plus n h का मतलब यहाँ पर
वाई ए प्लस एन एच का मतलब एफ ए प्लस एन एच, वाई ए प्लस एन एच का मतलब एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। अब इन दोनों को ये भी मान वाई ए प्लस एन एच का, ये मान भी वाई ए प्लस एन एच का, दोनों को बराबर रखें तो ई एन वाई ए वन प्लस डेल एन वाई, ठीक है, दोनों को कंपेयर करें तो ई एन इक्वल टू वन प्लस डेल, ये रिजल्ट एक और, ठीक है। इस तरह से अपन इन तीनों ऑपरेटर्स के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आगे अपन कल और देखें।